अरे मेम साहब, अब चाय क्यों बना कर लाए? अरे साहब, आप ठीक हो गए? मैं ठीक हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं ठीक हो गया। अरे मैं ठीक हो गया। अरे बहू, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अरे पापा जी, आप अपनी टांगों पे खड़े कैसे हो गए? बेटा आज ना बहू से गलती से मेरी टांगों पे गरम गरम चाय गिर गई, और गरम चाय की जलन की वजह से ना मैं अचानक से खड़ा हो गया। प्रीति प्रीति, देख रही हो? पापा पापा अचानक से ठीक हो गए। पापा ठीक हो गए, ठीक हो गए। या मैं यूं बोलूं कि पापा जी कभी लगड़े थे ही नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो प्रीति? तुम जानती हो ना कि पापा सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, और तुमने उन्हें सबसे पहले देखा था और उनकी मदद भी करी थी। मैंने ही पापा जी को सबसे पहले सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था, मैंने ही उनकी मदद करी थी, और आज मैंने ही पापा जी को अपनी टांगों पे ना नाचते हुए देखा है। लाओ साहब, आपके टांगों की मालिश कर दूं। अरे नहीं नहीं चंदू, रहने दे। आज ना बड़े दिनों के बाद बहू घर से बाहर गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी आराम कर रही टांगों को कुछ काम पे लगाया जाए। आज ना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो पापा जी अभी तक लंगड़े होने का नाटक कर रहे थे, और ये चंदू के बच्चे को सब पता था। कोई ना, इनको तो आज मैं सबक सिखाऊंगी। इनके बेटे को आने दो जरा। अब पूछो जरा अपने बाप से, क्यों किए इतने टाइम तक इतना नाटक? What is this, पापा? ये सब क्या नाटक था? कब से स्पीड चेयर पे बैठ के आप क्यों फालतू में हमसे इतनी मेहनत करवा रहे थे? क्या तुम लोग मेरे लिए मेहनत कर रहे थे? अरे सब जानता हूँ बेटा मैं। अगर तुम दोनों से मैं एक ग्लास पानी भी मांगता था ना, तब तुमने चंदू को वाई लगाते थे, वही आकर मुझे पानी देता था। तुम लोग क्या मेहनत की मेरे लिए? सारी मेहनत तो चंदू ने की मेरे लिए, समझे? हाँ, चंदू तो है ही बेवकूफ। सब जानते हुए भी कि आप ये लंगड़े होने का नाटक रचा रहे हो, फिर भी आपका साथ देता रहा। ना जाने आपने इसको कौन सा खजाना दे दिया हुआ है पापा जी, जो दिन रात आपकी सेवा करता रहता था ये। क्यों बे चंदू, तू भी इस प्लान में शामिल था? मैं बताता हूँ, एक दिन जब मैं ना तुम्हारे बेडरूम के पास से गुजरा था, तब मैंने बहू की बातें सुनी। नहीं यार, हमने तो सर्वेंट रखा हुआ है, 10,000 रुपए देते हैं हम उसे हर महीने के। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उसको हटा देती हूँ। घर के सारे काम ना ससुर से करवा लिया करूंगी। अब ससुर घर के काम करेगा, नौकर हट जाएगा, पैसे बचेंगे, और उन पैसों से कम मेरे सूट तो आएंगे ना। तो जब मैंने बहू की सारी बातें सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बहू मेरे बारे में ये सोचती है, मुझे घर का नौकर बनाना चाहती है, मुझसे घर के काम करवाएगी। तो इस बारे में ना मैंने चंदू से बात की, तब मुझे चंदू ने बताया कि ये नौकरी ना उसके लिए कितनी जरूरी है। तब मैंने प्लान बनाया लंगड़े होने का, तो जिससे ना बहू मुझसे काम भी ना करवा सके, फिर चंदू की नौकरी भी बची रहे। प्रीति, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम तो मेरे ही पापा को उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन इसमें गलती तो तुम्हारी है। तुम मेरे पापा को घर का नौकर बनाना चाहती थी, और एक टुच्चे से सूट के लिए तुम इसकी नौकरी भी छीना चाहती थी इससे। अब ना मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे पापा से घर के काम कैसे करवाती हो। अब ना मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे भी कम दिया करूंगा, और घर के काम ना चंदू के साथ तुम किया करोगी अब से। पर क्या? पर जो मेरे पापा के खिलाफ जाएगा ना, उसको मैं सजा जरूर दूंगा, और तुमने वही की है तो ये तुम्हारी सजा है। तुम्हें कुर्ते पजामे पे ये चाय गिरी है ना, तो अब तुम ही जाओगी और कपड़ा लेके आओगी और इन्हें पहले साफ करोगी। गो। दोस्तों, बच्चों का फर्ज होता है कि अपने बूढ़े माँ बाप की ना सेवा करें, ना कि उनसे काम करवाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।